ठीक मम्मी मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, खुश रहो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मुकुल है, मेरा पहला दिन है कॉलेज में। आज तो मेरा भी पहला दिन है कॉलेज में। कौन सी ब्रांच में हो? मैं एमसीए ब्रांच में हूँ। मेरा भी एमसीए है। अरे वी आर फ्रेंड्स यार। हरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, डिपार्टमेंट का है न्यू एडमिशन? यस सर। आओ आओ, न्यू एडमिशन है, ये बटन तो लगा लो। जी सर। कहाँ जाना है? एमसीए पार्टी। अच्छा, गाना गाना आता है? नहीं आता। गाना तो पड़ेगा? नहीं आता। तुम्हें तो आता होगा? नहीं आता सर। गाना नहीं आता, फिर तुम्हें तो गाना पड़ेगा सर। गाना गाना कौन सा गाना होगा? तुम गाओ तेरे नाम और तेरे, तुम डांस करो। तुम डांस करोगे? नहीं आता। करना पड़ेगा डांस? नहीं आता। ठीक है ना, माता नहीं, गाना गाना पड़ेगा। से बोल रहा हूँ, गाना गाना पड़ेगा तो गाना गाना पड़ेगा। ठीक है ना, गाना गाएगा। ठीक, तू गा तेरे नाम किया है जीवन अपना सारा सनम। क्या 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 गाया? तेरे नाम हमने किया है। क्या मेरे नाम? किसके नाम कर दिया? तेरे नाम है? तेरे नाम क्या नाम कर दिया? किसके नाम? किसके नाम? कुछ नहीं सर, कुछ सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। Yesterday, we have seen how to write a program in C++. We have seen the structure of the program. Today, we will write, you are coming late again and again, daily you are coming late. What's sorry? You are disturbing the class every time. Come on, close the door. We will write a program, how to find the sum of the two numbers using C++. Start the program. What is the first statement that you have to write? Then include. As we have studied, what about the function of a C++? As you all know that C++ is full of function. Today, we will see the program of a function. Let us write a program how to find a factorial of a given number using function. What is this? Again, you are late. What? Sorry. Go and stand outside. You come after my period. Come on. You get out and stand outside. Come in the next period. Close the door. So, let us see, write a program to find the factorial of a number using function. अरे ये तो कल वही वाले मुर्गे हैं ना? दरा दरा दरा। कल इसने गाना नहीं गाया था। आज गाएगा। आज तो गाना पड़ेगा। क्या इसमें? सर मैं क्या कहूँ? जूते खाओ ना। गाना गाओ, गाना गाओ। तुम डांस करो। गाना गाना पड़ेगा, आता नहीं है तो गाना नहीं पड़ेगा। गाना नहीं गाओगे, कुछ और करोगे पर गाना नहीं गाओगे। नहीं गाओगे गाना? अब देख बता दूँ तुम, अब तू क्या करेगा? इसको रख और इसके साथ में रख ना, ठीक है? तू गिनेगा और ना? क्या बोला तुझसे? जरा तू जरा तू भी लगा इसको, ये है ना सिंसियरिटी से कॉलेज में आना।
ठीक है ना जी सर, तो लगा तो गिनना इसका, ठीक है, और इसको उठा के बेटा लगा लगा और तू गिनेगा, गिन लगा। पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। ये ले लंच, कल से हम सबकी लंच लेके आना, जाओ। दादा बुला रहा है ना दादा, सर दीजिए सर, कहाँ जान दीजिए, क्लास में जाना है सर। तो क्या करेगा क्लास में जाके, अरे इसका मेकअप तो कर दो यार, आओ तुम्हारा थोड़ा मेकअप कर, रहने दीजिए मैम, देख मेकअप तो करेगा, अरे मेकअप करेगा तू, मेकअप तो होगा तेरा, इसको पकड़ो तुम, मेकअप करेगा तू, मेकअप करेगा ना बोला ना, मेकअप कर, बगैर बटन के मत दिख जाना, मेकअप करो इसका, मेकअप मेकअप करो इसका, मेकअप करो इसका, मेकअप करो इसका, मेकअप अच्छे से, रुको अच्छे से, अच्छे से रुको 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 जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, सर क्या हुआ परवेज? सर मेरे कॉलेज में रैगिंग हो रही है सर, तो उसके वजह से मेरे एक फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया सर। ये तुम कैसे कह सकते हो कि उसने रैगिंग की वजह से सुसाइड किया? सर मेरे पास पूरी वीडियो है सर, जब उसकी वो इतनी रैगिंग से सर मैंने पूरी वीडियो बनाई है सर, देखिए आप। तुमने वीडियो बनाया उसका? जी सर। सर ये देखिए कि लिपस्टिक भी लगाई जा रही है उसको सर, मैं वहीं था उस टाइम। अच्छा तो ये कौन है, तुम्हारा दोस्त है? सर जी सर, जिसकी रैगिंग हो रही है वो मेरा फ्रेंड है सर। अच्छा और ये साथ वाले कौन है? सर ये हमारे सीनियर्स हैं सर। तो इन सबको जानते हो तुम? जी सर मैं जानता हूँ सर इनको। अच्छा कहाँ रहते हैं ये लोग? सर इनका घर तो नहीं मालूम सर, लेकिन ये रोजाना आते हैं सर, और सर रोजाना रैगिंग भी लेते हैं। ओ तुमने कंप्लेंट नहीं करी इसी डिपार्टमेंट में कहीं पे? सर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, तो सर जहाँ जैसा मुझे पता चला मैं यहीं आ गया सर। अच्छा अच्छा इनके घर वगैरह जानते हो? नो सर। तो इनको ये मिलेंगे कहाँ है? सर आपको ये एग्जैक्ट 12 बजे मिल जाएंगे सर, हमारे ही क्लास में मिल जाएंगे सर। अच्छा तुम एक काम करना जी सर, कल तुम 11:30 बजे तक मेरे पास आना। ओके कल अपन चलते हैं, इनको मिलते हैं। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। As we have seen in the previous class, the meaning of AI.
Today, we will discuss something, what is problem and how the problems are solved through AI. So there, let us have some definitions. Sir, yes. बच्चा बोल रहा है उसके एक दोस्त की जान चली गई, आप सोचो उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। अभी धारा लगेंगी, आपको सजा हो जाएगी, 7 साल की फाइन लगेगा। उसके बच्चे के माँ बाप चले गए, वो अपनी जगह है, आपके माँ बाप नहीं रोएंगे, आप 7 साल को जेल चले जाओगे। कॉलेज का भी नाम खराब हो रहा है, दूसरे बच्चों को क्या कहेंगे आप बताओ। आप अपने माँ बाप की तो सोचोगे, माँ बाप को क्या गुजरेगी। जिसका बच्चा एक्सपायर हो गया है, अब वो पता भी नहीं है कौन बच्चा था, इकलौता था, दो थे, तीन थे, आपके बच्चे, आपके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। आपको 7 साल की जेल होगी, लाखों रुपए आपके पिताजी खर्च करेंगे इस केस से सुलझने के लिए, तो फिर आपको भी जेल होगी। अभी तो केवल दो को ले गए हैं, फिर 7 साल में किन कौन कौन बैठे थे साथ में, सबको ले जाएगी वो, सबके ऊपर कुछ ना कुछ 6 महीने की, किसी को साल भर की सजा होगी। ऐसा काम क्यों करते हो, दंडनीय अपराध है रैगिंग। देखते हो UGC बार बार बोलती है, AICT बार बार बोलती है, कॉलेज में जगह जगह फ्लैक्स लगे हुए हैं कि रैगिंग दंडनीय अपराध है, फिर भी आप लोग नहीं मानते हो। अब बताओ, आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप को सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए भाई रैगिंग से दूर रहो, रैगिंग से आपका परिवार डिस्टर्ब होता है, बच्चे 10 मिनट के मनोरंजन में परिवार खराब हो जाता है, परिवार को नुकसान हो जाता है।